हेलो बच्चों आज हम लेवल वन के क्वेश्चन इलेवन टू ट्वेंटी डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन इलेवन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन अर्ग जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन ऐटम हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी एटोमिक नंबर वन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हो जाएगी प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट इसे ही अपन को जूल में कन्वर्ट करना है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल और हमारा जो वन जूल होता है वो कितना होता है टेन टू पावर सेवन अर्ग तो इसके बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व हो जाएगा तो अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल ये करना है तो इसको क्या हो जाएगा ये ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल जो कि बराबर हो जाएगा टू वन एट इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल ठीक है इसी तरह अपन देखेंगे थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस यहाँ पे ट्वेल्व अर्घ में हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व अर्घ तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं तीनों वैल्यूज में देखें तो यहाँ पर ये यह अर्ग में वैल्यू है जूल में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वेल्थ फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑरबाइट दैट इज़ वी वन वी टू वी थ्री विल बी तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बट जो भी एटम अपन ने लिया उसका एटोमिक नंबर लैड से जेड है उनमें अपन ने तीन ऑरबाइट्स की वेलोसिटी देखनी है तो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है किसके जेड बाई एन के तो अपन वी वन अपोन वी टू अपॉन वी थ्री करेंगे तो हमारे पास सभी में एटॉमिक नंबर तो सेम होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन अपोन एन वन अपोन वन अपोन एन टू अपोन वन अपोन एन थ्री तो अपन नंबर ऑफ ऑर्बाइट्स यहाँ पर देख ले रेशियो में तो वन बाई वन वन बाई टू और यहाँ पर वन बाई थ्री तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है थर्टीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ अबाउट टू तो हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम यदि अपने को देखना है तो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा फोर बाई थ्री पाई रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब इसी तरह वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यदि आप देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब अब अपने को क्या चाहिए रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस चाहिए तो रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो होती है हमारे पास टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है तो इस बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टेन टू दावर माइनस टेन का होल क्यूब अपॉन टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन का होल क्यूब तो ये आ जाएगी वैल्यू टेन टू द पावर फिफ्टीन तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन के टाइम्स होगा यदि अपने को वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखना है तो तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टेन टू दावर माइनस फिफ्टीन टाइम्स टू दैट ऑफ एन एटम तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है फोर्टींथ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जम्प इन सच ए वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई फोर तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई फोर माइनस एक्स ये हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स बाई फोर ठीक है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता करना है तो इससे अपन क्या निकाल देंगे टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गया थ्री एक्स बाई फोर और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमारा होता है टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा थ्री एक्स बाई फोर ये हो जाएगा थ्री एक्स बाई टू तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टींथ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो पोटेंशियल एनर्जी अपने को दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है अब अपने को इससे टोटल एनर्जी निकल जाएगी टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो आ जाएगी थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जेड हमारे पास क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे तो इन दोनों इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर तो हमारे पास वन अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू यानी अपन यदि एन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन थ्री पॉइंट फोर तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी किस में कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है फोर तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू तो एन हमारे पास टू है दैट मीन्स ये सेकेंड एनर्जी लेवल है बट एक्साइटेड स्टेट के टर्म्स में बोले तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है सिक्सटीन व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल ऑफ द बेरेलीम थ्री प्लस आयन तो हमारे पास बेरेलीम के लिए एटॉमिक नंबर देखें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम तो बेरेलीम के लिए जेड हमारा क्या हो जाएगा फोर ठीक है अब अपने को ई एन निकाल लेना है सबसे पहले टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी अपने पास देखें तो हमारे पास माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अब एन सेल अपने पास पता करना है तो के एल एम एन ये एन की वैल्यू हमारे पास वन टू थ्री फोर इस तरह से होगा तो एन की वैल्यू भी फोर है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स फोर का स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर ये वैल्यू होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा टोटल एनर्जी होगा अब यदि अपन देखें पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है यानी टू टाइम्स ऑफ माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सेवनटींथ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोर ऑरबाइट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रेस्पेक्टिवली थर्ड बोर ऑरबाइट यानी एन इजल टू वन है हाइड्रोजन एटम यानी जेड इजल टू वन है तो हमारा जो एनर्जी टर्म होगा टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा ई एन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपने पास वन एन स्क्वायर वन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यानी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये टोटल एनर्जी है अब काइनेटिक एनर्जी अपने पास चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी तो ये प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्टो काइनेटिक एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी अपन देखना चाहे तो यहां पर सॉरी यहां पर अपने को थर्ड ऑर्बिट बोला गया तो थर्ड ऑर्बिट यहां पर थ्री का स्क्वायर होगा यानी नाइन से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो नाइन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो प्लस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ठीक है और टोटल एनर्जी जो होगी वो यहाँ पर वन पॉइंट फाइव वन माइनस में जो दी हुई है इसका टू टाइम्स हो जाएगा ये हमारे पास होता है टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी ठीक है तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.02 पॉइंट जीरो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है यहां तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एटींथ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ओर बाइट ऑफ हीलियम प्लस इज तो हीलियम प्लस आयन के लिए यदि अपन देखें जेड इज क्वल टू हमारा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब अपने को रेडियस देखने फोर्थ और थर्ड ऑर्बाइट के केस में तो रेडियस फॉर एन एथ जो होती है वो जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाई जेड ओंगस्ट्रोम तो यहाँ पर रेडियस फोर डिस्टेंस अपने को फोर्थ ऑर्बाइट और थर्ड ऑर्बाइट के बीच में बताना है तो अपन रेडियस निकाल लेंगे फोर्थ ऑर्बाइट के लिए फिर थर्ड ऑर्बाइट के लिए जैसे कि हमारे पास ये रेडियस थर्ड ऑर्बाइट तक है फिर फोर्थ ऑर्बाइट है यहाँ पर एन इक्वल टू थ्री है और एन स्क्वल टू फोर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास जो होगी वो कैसे निकलेगी ये वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी आर फोर और ये वैल्यू है आर थ्री तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा आर फोर माइनस आर थ्री से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी तो हमारे पास होगा जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन अपॉन जेड जो कि टू हो जाएगा एन स्क्वायर अपने पास यानी फोर का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी न पॉइंट एट फाइव वन इंट द पावर माइनस टेन मीटर अपने पास कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन इसमें हमें बोला गया है व्हाट एटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स वुड हैव द वुड हैव टू बिकम सो दैट द फोर्थ और बाइट अराउंड एक्स वुड फिट इन साइड द फर्स्ट बोर और बाइट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हमारे पास जैसे कि रेडियस का एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट बोर और बाइट की जो रेडियस होगी जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू हाइड्रोजन के लिए अपन देखें तो एन की वैल्यू वन दी हुई है और जेड की वैल्यू वन है तो ये एन स्क्वायर बाई जेड तो ये जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन हो जाएगा बट किसी रैंडम एलिमेंट के लिए फोर्थ और बाइट अपने पास दिया हुआ है यानी एन, एन की वैल्यू फोर है जेड की वैल्यू पता करनी है तो हमारे पास फोर एलिमेंट एक्स रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन फोर का स्क्वायर अपॉन जेड ये जो वैल्यू है यह किसके बराबर होनी चाहिए मस्ट बी इक्वल टू रेडियस आर वन के बराबर तो आर वन के बराबर जो होने के लिए क्या जरूरी है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन वैल्यू होनी चाहिए यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये वन आए ये वन कब आएगा जब जेड की वैल्यू क्या हो सिक्सटीन हो तभी हमारे पास सिक्सटीन को ये कैंसिल आउट करेगा और वन रेशियो आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन से करने पे ये फर्स्ट और बैट के बराबर रेडियस हो जाएगी तो जेड हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है ट्वेंटी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बाइट ऑफ लिथियम टू प्लस वुड बी तो लिथियम के लिए अपन देखें तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यू है थ्री और जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन के अब हमारे पास थर्ड और फिफ्थ दोनों ही ऑर्बाइट में जेड की वैल्यू तो क्या होगी सेम होगी तो वेलोसिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके नंबर ऑफ ऑर्बाइट के तो यदि अपन वैल्यू v1 वन अपॉन वी यदि देखते हैं तो थर्ड ऑर्बिट के लिए अपने पास v1 है और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हमारे पास v2 है तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा v1 वन अपॉन वो हो जाएगा n2 टू अपॉन एन तो n2 हमारे पास क्या है फाइव और n1 हमारे पास है थ्री तो हमारा रेशियो जो हो जाएगा वो आ जाएगा फाइव बाई थ्री तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है